आग की लपटों से घिरा ये मकान इसराइल के नागरिक का है। हिजबुल्ला के रॉकेट धमाके के बाद पूरा मकान जलकर राख हो गया है। इसराइल के हाइफा सिटी में भी हिजबुल्ला के रॉकेट के बारूदी धमाके से कई घर तबाह हुए हैं। तस्वीर इसराइल के हाइफा सिटी की है। मकान युवाल सादा का है। उनके घर पर हुए हिजबुल्ला के रॉकेट हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले से मकान की छत फट गई है। गनीमत ये रही कि हमले से पहले अलर्ट सायरन बजा और युवाल घर से बाहर चली गई, लेकिन जब लौटी तो पूरा मकान तहस नहस हो चुका था। יש לנו רק בחוץ מקלט שכונתי, לא הספקנו להגיע אליו, אז אנחנו בדרך נכנסים מתחת למדרגות ונמצא שם עד שהאזעקה, סליחה, מפסיקה. נכנסנו כולנו בערך 5 אנשים, לא הספקנו אפילו לסגור את הדלת של ארון נעליים, היה בום רציני בתוך הבית, כל הבית רעד. אני זוכר קצת פלשבקים, כאילו אש, עשן, דברים כאלה. इसराइल में नेतन्याहू के आलोचक दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान इसराइल का ही होगा, क्योंकि हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग खामनेई के बिछाए बारूदी दलदल में नेतन्याहू को तेजी से खींच रही है। गाजा युद्ध में उलझे नेतन्याहू को खामनेई के प्लान के हिसाब से हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला लेबनन फ्रंट पर उलझे। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही अघोषित तौर पर इन शिया मुस्लिम फाइटर्स के टॉप कमांडर भी हैं। अला असलह जदीदा طبعا ما حاول شو الاسلحه الجديده هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخذ اواه بتبين ईरान शिया बाहुल जितने भी फाइटर ग्रुप हैं उन सब की टीम बना रहा है। इसराइल से नफरत करने वाली कट्टर फौज को एकजुट कर ज्वाइंट अटैक का प्लान असरदार साबित हो सकता है। हिजबुल्ला को जिन संगठनों से इसराइल के खिलाफ मदद मिल सकती है उन्हें भी देखिए।
इसराइल के खिलाफ लेबनान का अमल मूवमेंट गुट हिजबुल्ला का सबसे बड़ा साथी बनेगा। लेबनान में अमल मूवमेंट की हिजबुल्ला की तरह राजनीतिक और मिलिट्री विंग है। अमल मूवमेंट के लेबनान संसद में सबसे ज्यादा 14 सदस्य हैं। मुस्तफा चमरान का बनाया अमल मूवमेंट इसराइल से 1978 में युद्ध लड़ चुका है। लेबनान से बाहर हिजबुल्ला के साथ पाकिस्तान की जैनब ब्रिगेड जुड़ेगी। जैनब ब्रिगेड में ज्यादातर ईरान के शिया मिलिशिया लड़ाके हैं। सीरिया के गृह युद्ध में जैनब ब्रिगेड ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हिजबुल्ला के साथ वॉर जोन में मौजूद रहेंगी। इराक के शिया लड़ाके गुट हिजबुल्ला के सबसे ताकतवर पार्टनर हैं, जिसमें 67 ग्रुप के फाइटर शामिल हैं। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स 2014 में बनी थी, जिसने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लंबी लड़ाई में जीत हासिल की थी। 2018 में इस पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट का दोबारा हैदर अल आबादी ने संगठित किया है। रूस की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर लड़ाकों से मदद मिलने की उम्मीद भी हिजबुल्ला को है। इसके साथ अजरबैजान के कई गुट युद्ध में हिजबुल्ला का साथ दे सकते हैं। यानी हिजबुल्ला इसराइल को बराबर की टक्कर देने की ताकत जुटा सकता है, मगर नेतन्याहू अकेले तो युद्ध में होंगे नहीं। इसराइल का रखवाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका है। पश्चिम के वो देश इसराइल का साथ देते हैं जिनके पास एटम बम है। इसी वजह से नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खतरे से निपटने की हुंकार भर दी है। אנחנו מקים בחיזבאללה במעלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמנאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. नेतन्याहू की धमकी के बाद लेबनान में युद्ध का डरावना माहौल है। लेबनान से विदेशी नागरिकों ने निकलना शुरू कर दिया है। लेबनान में यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने से बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन काउंटर स्ट्राइक में अगर हिजबुल्ला कामयाब हुआ तो समझ लीजिए इसराइल कई फ्रंट पर फंस जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग ईरान के बिछाए बारूदी दलदल में इसराइल को तेजी से खींच रही है। नेतन्याहू जिस बारूदी दलदल में फंसे हैं, उसमें 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला इसराइल पर हुआ है। नेतन्याहू को फंसाने के लिए इस बारूदी दलदल में हिजबुल्ला भी है, हूती भी है, ईरान भी है, और ये सब कुछ खामनेई के इशारे पर किया जा रहा है। इस बात का तो ईरान को समझने वाले भी दावा करते हैं। हानिया की हत्या के बाद नेतन्याहू के लिए इस दलदल से निकलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसराइल में भी इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि अपने ठिकाने पर हुए भारी नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए हिजबुल्ला मोसाद के बेस पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस हमले का अनुमान लगा लिया है। हिजबुल्ला फाइटर इस बार नेतन्याहू को चौंकाने वाला अटैक अंजाम दे सकते हैं। इजरायली आर्मी रेडियो और मीडिया आउटलेट हारेट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्ला मोसाद ठिकानों पर हमला करने के लिए रात का वक्त चुनेगा। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्ला का इरादा रात भर में मध्य इसराइल में सैन्य खुफिया और मोसाद ठिकानों पर हमला करने का है। हिजबुल्ला के हमले से निपटने के लिए इसराइल की पूरी फौज तैयार है। नेतन्याहू के जंगी जेट, डिफेंस सिस्टम, विध्वंसक मिसाइलें रेडी टू फायर हैं। इतिहास गवाह है कि इसराइल दुश्मन को तबाह करने के बाद ही रुकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है। मतलब ये भीषण युद्ध गाजा और रफा की त्रासदी से भी भयावह होने जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल के नागरिकों को निशाना बनाया है। इसराइल अपने किसी भी नागरिक की जान के लिए दुश्मन देश को बर्बाद करने से हिचकता नहीं। नेतन्याहू के अगले एक्शन की भनक लेबनान को लग चुकी है। लेबनान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर युद्ध रोकने के लिए मैराथन मीटिंग कर रहे हैं।
मिस्र ने भी लेबनान को आर पार की जंग से बचने की नसीहत दी है, लेकिन लगता नहीं कि हिजबुल्ला लड़ाके किसी की सुनेंगे। अपने कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला भी नेतन्याहू को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। हालांकि इसराइल की मिलिट्री पावर के सामने हिजबुल्ला का टिकना मुश्किल है। ईरान की मदद के बगैर हिजबुल्ला का हश्र हमास जैसा ही होगा, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। वजह है उनका लेबनान से पुराना रिश्ता। मुमकिन ये भी हो कि नेतन्याहू को चार फ्रंट पर उलझाकर ईरान हानिया का हिसाब बराबर करे। ये बखेड़ा इस्माइल हानिया की मौत से शुरू हुआ है, जिसे इसराइल ने ईरान में घुसकर मार डाला। हमास के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान इसराइल को बर्बाद करने की धमकी पहले ही दे चुका है।